सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर देश के गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। चाहू कर गई है, मैं बंगाल के मजदूरों को विश्वास दिलाने आया हूं, मनरेगा के लाभार्थियों को विश्वास दिलाने आया हूं, 2026 में परिवर्तन कर दीजिए, पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने 5400 करोड़ दिया, मोदी जी ने 17000 करोड़ दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने 4500 करोड़ दिया, मोदी जी ने 50000 करोड़ रुपया दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक के लोन 630 करोड़, मोदी जी ने 91000 करोड़ दिए। कहीं कोई मैच नहीं है ममता दीदी, क्या झूठ बोल रही हो, क्या बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हो? आप मानती हो कि बंगाल की जनता कुछ जानती नहीं है? हम आज कह कर जाते हैं दीदी, भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनने वाले हैं। हम कम थे तब भी नाकों में पानी ला दिए थे, 1 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे, आपकी पार्टी का क्या होगा वो आप सोच कर रखो। भाइयों बहनों, आज इस संगठन पर्व की यहां पर शुरुआत हो रही है, उस वक्त मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कहने आया हूं, देश भर में सदस्यता अभियान का एक मतलब है और बंगाल में सदस्यता अभियान के कई मतलब हैं। देश भर में सदस्यता अभियान का मतलब है संगठन को मजबूत करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाना, हमारी चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। बंगाल के अंदर सदस्यता अभियान का मतलब है घुसपैठ को रोकना, बम धमाकों को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, कोयला तस्करी को रोकना, माताओं बहनों के अपमान को रोकना, और जो ये रैंपड करप्शन चल रहा है वो रैंपड करप्शन को भी समाप्त करना। अगर सुनार बांग्ला बनाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है। लाल भाइयों को भी लंबा समय सत्ता दिया, कांग्रेस ने भी लंबा समय काम किया, और तृणमूल का भी बहुत समय हो चुका है, समय भी अब उनका समाप्त हो चुका है। अब एक ही विकल्प बचता है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं कि यहां पर कानून का शासन प्रस्तापित करने के लिए, यहां पर बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए, दुर्गा पंडालों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा करने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी बनानी है। आने वाले समय में हर घर, हर गांव, हर गली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं और इस नंबर को प्रेस कराकर बंगाल की जनता को, विशेषकर बंगाल के युवाओं को और माताओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए। सदस्य बनाए उस वक्त आप पर जो SMS आएगा उसमें एक फॉर्म होगा जिसमें सदस्य की डिटेल डालनी है, वो डिटेल भी भर कर दीजिए, जिससे उनको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया हो, भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने की एक प्रक्रिया हो। हर घर में जाइए, युवाओं को, महिलाओं को, हर कॉलेज के अंदर युवाओं को, युवतियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाइए। मनरेगा के पीड़ित मजदूर, बंगाल के गरीब बीमार, और जिसको नौकरी चाहिए, जो भ्रष्टाचार से परेशान हो गया है, वो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए, जिनके सम्मान के साथ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलवाड़ कर रहे हैं, वो माताओं बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। यहां पर धान की खरीदी नहीं होती है, धान की खरीदी जिन किसानों की नहीं होती है, वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान देकर अपना बलिदान दिया है, वो हुतात्माओं को याद कर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करिए। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 1 करोड़ का लक्ष्य बंगाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा होगा या नहीं होगा? अरे जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? हम घर घर जाएंगे क्या?
हर युवा महिला किसान मजदूर को सदस्य बनाएंगे क्या? 1 करोड़ सदस्य की भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे? 26 में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम करेंगे? भारत को महान बनाने के मोदी जी के अभियान के साथ बंगाल जुड़ेगा? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिथुन दा को फिर से एक बार अभिनंदन और बधाई।